नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। पुलिस हाजत से फरार कुख्यात अपराधी इमरान मुर्गा ने किया सरेंडर। मुर्गा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बनी थी चुनौती। मुहर्रम शुरू होने के बावजूद सफाई को लेकर निगम प्रशासन लापरवाह। बड़ा इमामबाड़ा के सामने पसरी है गंदगी। पुलिस ने कार में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया बरामद। तस्कर फरार। गांधी विचार विभाग में भारतीय गांधी अध्ययन समिति का होगा 42वां वार्षिक अधिवेशन। देश भर से गांधीवादी चिंतक करेंगे शिरकत। और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील। और अब खबर विस्तार से। हबीबपुर थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी इमरान मुर्गा ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पूर्व किराना व्यवसायी से रंगदारी मामले में हबीबपुर पुलिस ने इमरान मुर्गा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुर्गा पुलिस को चकमा देकर हाजत से फरार हो गया। वहीं अपराधी के फरार होने के बाद एसएसपी आशीष भारती ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पुलिस इमरान को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इमरान की पत्नी जीनत के अनुसार घर के समीप शराब बेचने वालों का इमरान ने विरोध किया, जिसके कारण मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने घर के सभी सदस्यों को मामले में आरोपी बना दिया। वहीं इमरान मुर्गा पर शहर के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। मारपीट केस में जो दारू बेचता है ना, उसी से हंसा भसी हुआ था, घर के पास आया था, तो कुछ बात हुआ उन लोगों के बीच में, हमको मालूम नहीं था। हम अपनी मम्मीगंज थे, मम्मीगंज से जब आए तो देख रहे कि मारपीट हो रहा है, इसलिए समझाया बुझाया तो यहाँ थाने में आकर के क्या बात हुआ नहीं बात हुआ, मेरे ससुर को और मेरे देवर को बेकसूर में जेल भेज दिया गया। वो अपने से सरेंडर किए आकर के, हमने उसको प्रयास किया कि आप कर लीजिए, इसके बदले आपके पापा बेकसूर हैं, बूढ़े आदमी हैं, इसलिए वो निकल जाएंगे। मुहर्रम शुरू होने के बावजूद भागलपुर नगर निगम प्रशासन साफ सफाई को लेकर लापरवाह। वार्ड संख्या 14 के असानंदपुर इलाके में गंदगी का अंबार लगाए, जबकि यह मोहल्ला सिया समुदाय का गढ़ माना जाता है और प्रत्येक साल मुहर्रम के अवसर पर देश विदेश से लोग यहां आते हैं और 10 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। दरअसल पिछले एक साल से बड़ा इमामबाड़ा के ठीक सामने जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है, जिसके कारण इलाके में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है और आसपास के लोग बदबू से परेशान है। के कई लोग मच्छर पनपने के कारण डेंगू के शिकार भी हो चुके हैं। वहीं राजद के महानगर सचिव सैयद रागी हसन और जिला सिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि इमामबाड़ा में मजलिस का दौर शुरू है और जल्द ही मातमी जुलूस निकाला जाएगा, फिर भी निगम प्रशासन सफाई को लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुआ है। वहीं वार्ड संख्या 14 के पार्षद अनिल पासवान ने कहा कि नगर आयुक्त को इसकी सूचना दे दी गई है और 2 दिन के भीतर साफ सफाई करा दी जाएगी। जो सिया टोली मोहल्ला में जो जल जमाव की समस्या है, उसको लेके आज भी हम जोनल प्रभारी को बुलाए थे और जो स्वास्थ्य शाखा प्रभारी को बुलाए थे, हम अभी भी बैठक में जा रहे हैं और उस समस्या को हम 2 दिन के अंदर उसका निदान कर देंगे। और कल हमको गैंग भी मिल जाएगा, गैंग से हम पूरा नाली की सफाई और पानी की निकासी करेंगे। भागलपुर मधुसूदनपुर पुलिस ने बगीचे में छिपाकर रखी गई कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। बरामद कार रामपुर खुर्द पंचायत के कंजिया गांव निवासी मन्नू मंडल एवं महमदपुर के अमरजीत चौधरी की बताई जा रही है। दोनों आरोपी शराबबंदी के बाद से अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है। दरअसल मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष को बगीचे में शराब छिपाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कार BR10M5665 नंबर की गाड़ी में छिपाकर रखे गए 203 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने कार से बंगाल का नंबर प्लेट बरामद किया है। पुलिस को आशंका है कि शराब तस्कर नंबर प्लेट बदलकर अवैध शराब का कारोबार बरसों से कर रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG गांधी विचार विभाग में मंगलवार को 42वें वार्षिक अधिवेशन को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गांधी विचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने। इस दौरान नवम्बर माह में होने वाले इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज के वार्षिक अधिवेशन पर विचार विमर्श किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान कॉन्फ्रेंस का ब्रोशर भी जारी किया गया। अधिवेशन को लेकर ISGS के कोऑर्डिनेटर डॉ. दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि कार्यक्रम में देश भर के गांधीवादी चिंतक, लेखक और शिक्षक शिरकत करेंगे। मौके पर विभाग के कई शिक्षक और गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोग मौजूद थे।
कहलगांव अनुमंडल के सनौला थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सनौला BDO अरविंद कुमार ने की। इस दौरान थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने मुहर्रम को लेकर निकाले जाने वाले ताजिया के रूट और पहलाम के विषय में खलीफा से विस्तारपूर्वक जानकारी ली। थाना अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के वातावरण में लोगों से त्यौहार मनाने की अपील की। साथ ही मुहर्रम के दौरान विशेष सुरक्षा बनाए रखने की बात कही। BDO ने कहा कि किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और इसकी सूचना अविलंब पुलिस अधिकारियों को दे, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर CEO रंजन कुमार, मोहम्मद मकबूल, भानु यादव, फजलूर रहमान, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, कलाम उद्दीन सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वहीं बांका के पंजवारा थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मुरलीधर साह ने की। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम जुलूस निकालने की अपील की। इस दौरान काफी संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS PowerPoint शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में गणेश पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर में पूजा समितियों द्वारा विघ्नहर्ता भगवान की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है। गणेश चतुर्दशी के अवसर पर व्यवसायी गणेश पूजा समिति इकचारी में आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त जुटे और पूजा अर्चना की। मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मनमोहक और सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और जमकर तालियां बटोरी। प्रतियोगिता में बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर के अलावा झारखंड के दुमका के लगभग 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूजा समिति के सचिव सौरभ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र और शहरों में मनाए जाने वाले गणेश पूजा अब गाँवों में मनाए जाने लगी है। ये गणेश स्थापना का एक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, जो पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया है और ये दूसरा साल है। इसमें 2 दिवसीय हम लोग का कार्यक्रम होता है, जिसमें एक दिन बच्चों के टैलेंट को उभारने की कोशिश की जाती है और व्यवसायिक पूजा समिति की तरफ से उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और प्लस टैलेंट को गांव से निकालकर ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। वहीं बांका के पंजवारा में गणेश पूजा का आयोजन स्थानीय युवाओं द्वारा किया गया। भागलपुर BN कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर को PG जूलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया। वहीं TMBU PG जूलॉजी विभाग के नए विभागाध्यक्ष के रूप में सोमवार को प्रोफेसर अशोक ने योगदान दे दिया और मंगलवार को सभी शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान हेड ने विभाग के सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और कई दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर अशोक ठाकुर ने विभाग के शिक्षकों के साथ बैठक कर शोध सेमिनार और अन्य गतिविधियों की जानकारी ली और कहा कि सबों के सहयोग से जूलॉजी विभाग के छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर PK राय, डॉक्टर इकबाल अहमद, डॉक्टर DN चौधरी और धर्मशीला कुमारी समेत शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी प्रतिबंधित बालू घाटों से अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू का अवैध कारोबार माफिया और पुलिस की मिलीभगत से फल फूल रहा है। कई बार बालू के अवैध कारोबार को लेकर बांका पुलिस की ओर से प्रतिबंधित घाटों पर छापेमारी की गई, लेकिन बालू का धंधा अब भी बदस्तूर जारी है। बालू माफियाओं के द्वारा प्रतिबंधित बालू घाट देवघर
कल से रात के समय बालू का उठाव कर खबासपुर में अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है और सुबह होते ही माफिया ट्रकों में बालू भरकर बेच रहा है। इससे जहां सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं माफिया मालामाल हो रहा है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। पुलिस हाजत से फरार को किया अपराधी इमरान मुर्गा ने किया सरेंडर, मुर्गा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बनी थी चुनौती। मुहर्रम शुरू होने के बावजूद सफाई को लेकर निगम प्रशासन लापरवाह, बड़ा इमामबाड़ा के सामने पसरी है गंदगी। पुलिस ने कार में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया बरामद, तस्कर फरार। गांधी विचार विभाग में भारतीय गांधी अध्ययन समिति का होगा 42वां वार्षिक अधिवेशन, देश भर से गांधीवादी चिंतक करेंगे शिरकत। और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।